सर मैं एक ऑटो वाला ही हूँ। सर आप ऑटो वालों की बहुत हेल्प करते हो। सर आप हमारे गरीब के ऑटो वाले के घर खाना खाने चलोगे? सर सर मैं दिल से आपको इनवाइट कर रहा हूँ। जरूर आएंगे आज रात को। या ठीक ठीक है सर। सर मैं आपको अपने ऑटो से ही ले जाना चाहता हूँ। आज रात को सर भगवंत को ले आऊं? आज आज ही भगवंत को ले आऊं? सर जरूर। और चीमा साहब हम तीनों आएंगे। ठीक है सर बिल्कुल। बहुत अच्छा था, बहुत स्वादिष्ट था और पूरे परिवार के साथ इनके हमने मिलके डिनर किया इनके पूरे परिवार के साथ। ये इनकी वाइफ हैं और इनके भाई साहब भी थे, इनके बच्चे भी थे, सब लोगों के साथ मिलके डिनर किया। बहुत प्यारा परिवार है इनका और मैं दिलीप जी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपने घर पे हमें बुलाया। तो मैंने इनको इनवाइट किया है कि दिल्ली कभी भी आएँ तो वहाँ पे हमारे घर पे पधारें, हमारे परिवार के साथ इनका परिवार अगर मिलके हमारे घर पे खाना खाएंगे तो अच्छा लगेगा। अचानक से इन्होंने आपको इनवाइट किया जब आप मीटिंग कर रहे थे? वही मतलब अचानक ये खड़े होके मैंने सोचा कोई क्वेश्चन पूछेंगे लेकिन उन्होंने खड़े होके कहा कि आप हमारे घर खाने के लिए आई है। तो बड़ा ही टचिंग मोमेंट था। बहुत बहुत फीलिंग है, बहुत ज्यादा। मैं कभी मतलब जैसे सपना देख रहे इस हिसाब से। एक और बात तो उन्होंने बताई कि इनके पिताजी सब्जी के लिए गाते हैं, उनको पता नहीं है कि घर पे कौन आया है। उनको उनके फोन जो है वो बंद है तो ये सरप्राइज विजिट है तो शायद वो होते और भी ज्यादा खुशी। कभी सोचा था कि खाना बनाकर घर वालों को खिलाते हैं, मुख्यमंत्री को भी खिलाना मौका मिलेगा? बहुत अच्छा लगा। मुख्यमंत्री से बातचीत हुई? क्या कुछ बातचीत हुई? बस यही पूछे खाना पीने के लिए अच्छा बनाते हैं ठीक के। सर ने पूछे खाना, मैंने पूछा सर से खाना बढ़िया बनाते हैं ठीक के। आपको संतुष्टि हुई कि ऐसा मेहमान आया मुख्यमंत्री के तौर पे खाना? बहुत अच्छा लगा सर आए हमारे घर पे। नमस्ते, कैसी हैं आप? कैसी हैं?